तो दोस्तों आज 22 नवंबर 2019 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आज की ताज़ा खबरें, आज की बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिसमें आम जनता को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। और आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल पंप को लेकर एक बड़ी खबर आई है। और दोस्तों किसानों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में फटाफट से। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी पहली खबर की ओर। कितना पेट्रोल आया टंकी में, मोबाइल पर आएगा नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, तमाम पेट्रोल पंपों पर होने वाली घटतौली से निपटने के लिए IIT के छात्रों ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो यह बताएगा कि वाहन की टंकी में कितना पेट्रोल गया। इसका नोटिफिकेशन मोबाइल पर आ जाएगा। IIT के छात्रों ने प्रोफेसर नचकेता तिवारी के मार्गदर्शन में इस फ्यूल क्वांटिफायर डिवाइस को बनाया है। पेट्रोल पंप वालों की चोरी को पकड़ना अब बेहद आसान होगा। IIT के प्रोफेसर नचकेता ने बताया कि फ्यूल क्वांटिफायर डिवाइस किसी भी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी में लग सकता है। खास बात यह है कि इस डिवाइस को लगाने के लिए वाहन में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 10वीं पास हैं तो इसरो दे रहा है नौकरी का मौका, जल्द करें आवेदन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तकनीशियन B-Level 3 और ड्राफ्टमैन V-Level 3 के कई पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो इसरो में नौकरी करना चाहते हैं वे इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में टमाटर हुआ सोने के भाव, कीमत जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आम नागरिक महंगाई की किस कदर जूझ रहा है इसका अनुमान यह देखकर भी लगाया जा सकता है कि टमाटर के दाम एक दिन में 100 रुपए तक उछलकर 400 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। सोमवार को कराची में टमाटर का दाम 300 से 300 रुपए प्रति किलो था, जो मंगलवार को 400 रुपए प्रति किलोग्राम पर तक पहुंच गया। ईरान के टमाटर की कोई कीमत नहीं तय होने से स्थानीय व्यापारियों ने स्वायत्त व सिंध में पैदा होने वाले टमाटर के दाम ईरान के टमाटर के बराबर कर दिए हैं और मोटा मुनाफा काट रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने हालांकि पहले की ही तरह सोमवार को टमाटर के दाम 193 रुपए प्रति किलो बताए, जबकि कीमत 253 रुपए प्रति किलो थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब BSNL ने भी किया प्लान की कीमतें बढ़ाने का ऐलान। BSNL ने भी अपने प्लान महंगे करने का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि उसके सभी प्लान 1 दिसंबर से महंगे हो जाएंगे। बता दें कि BSNL और MTNL आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया जा रहा है कि सेवाएं देने और कर्मचारियों को वेतन देने के कंपनी के पास पैसे नहीं है। कई कर्मचारियों से BRS भी लिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरुंधति योजना को मिली मंजूरी, बहुओं को मिलेगा 1 तोला सोना। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। दरअसल बुधवार को सर्वानंद सोनोवाल की कैबिनेट ने अरुंधति योजना को मंजूरी दे दी है। इसका ऐलान मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अरुंधति योजना के तहत बहुओं को 1 तोला सोना दिया जाएगा। यह योजना 1 जनवरी 2020 से लागू होगी। बता दें कि विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने किया हर दिन 1 घंटे फ्री वाईफाई देने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। अगले महीने होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले कर्नाटक सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने बेंगलुरु में हर दिन 1 घंटे के लिए फ्री वाईफाई सेवा देने का ऐलान किया है। सरकार इसके लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और शहर में 4000 वाईफाई स्पॉट होंगे। बता दें कि फ्री वाईफाई के लिए कर्नाटक सरकार और ST इंटरनेट सेवाओं के बीच समझौता हुआ है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बहुत ही बड़ी खबर की ओर। अब अलीगढ़ का भी नाम बदलेगी योगी सरकार। UP सरकार अब अलीगढ़ का भी नाम बदल सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार इसका नाम बदलकर हरिगढ़ कर सकती है। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने कहा है कि अलीगढ़ को उसका प्राचीन नाम हरिगढ़ दिलाने की मांग नई नहीं की है, इसको लेकर हम पहले भी मांग उठाते रहे हैं। वहीं शहर के विधायक संजीव राजा का कहना है कि मुगल काल में इस शहर का नाम अलीगढ़ किया गया, पुराना नाम हरिगढ़ ही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचा, AQI 400 के पार। दिल्ली में प्रदूषण से फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी के कुछ इलाकों में गुरुवार AQI 400 के पार पहुंच गया, जो खतरनाक स्तर की श्रेणी में आता है। आनंद विहार इलाके में AQI 409, बवाना में 406,
विवेक बिहार में 391 और रोहिणी में 413 रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि बीते कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली वालों का सामना जहरीली हवा से हो रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुशखबरी, मिलेगा फ्री ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की छात्राओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 19 नवंबर को प्रदेश के महाविद्यालयों की छात्राओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस की योजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश इस योजना को लागू करने का पहला राज्य है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, खेती के लिए देगी 2,40,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सरकार ने किसानों पर मेहरबानी दिखाते हुए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब किसानों को खेती के लिए 50% सब्सिडी देने के साथ ही 2,40,000 रुपये भी दिए जाएंगे। यह फैसला असम में भाजपा की सर्वानंद सोनोवाल सरकार ने किया है। हाल ही में हुए एक कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने कई फैसले लिए हैं, जिनमें से यह भी एक अहम फैसला है। सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि गन्ना और बांस की खेती करने वाले किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत गन्ना और बांस के किसानों को 2,40,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से गरीबों को 3.5 बीघा जमीन मुफ्त में दी जाएगी। यह जमीन उन गरीब किसानों को मिलेगी जो भूमिहीन है। इसका ऐलान कैबिनेट की मीटिंग में ही लिया गया है, जिसमें जल्द ही पूरा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी। मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की किस्त पाने के लिए आधार नंबर को लिंक करवाने की अंतिम तारीख अब नजदीक आ रही है। अगर किसी ने इसे लिंक करवाने में देरी की है तो उसके खाते में 6,000 रुपये नहीं आएंगे। इसके लिए मोदी सरकार ने 30 नवंबर 2019 की तारीख तय की है। अगर आपने इस दौरान ऐसा नहीं किया तो खेती किसानी के लिए 6,000 रुपये की मदद नहीं मिलेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघालय के किसानों को 31 मार्च 2020 तक यह मौका दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 जनवरी से बदल जाएगा सोना खरीदने का नियम। 1 जनवरी से सोने के खरीदने के नियम बदल जाएंगे। दरअसल लंबे इंतजार के बाद कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने सोने चांदी की ज्वेलरी के अनिवार्य हॉलमार्किंग को हरी झंडी दे दी है। अनिवार्य हॉलमार्किंग 1 जनवरी से लागू होगी। मौजूदा समय में सिर्फ 40% आभूषणों की हॉलमार्किंग की जाती है। सरकार ने 14 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट और 20 कैरेट और 22 कैरेट की ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य करेगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे शुरू करेगी SMS अलर्ट सेवा। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि यात्रियों को ट्रेनों के बारे में रियल टाइम अपडेट्स उपलब्ध कराएगा। दरअसल कोहरे के कारण सर्दियों में ट्रेन अक्सर लेट हो जाती है, इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए यात्रियों को परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे SMS के माध्यम से यात्रियों को उनके ट्रेन के रियल टाइम की जानकारी देगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब गाड़ी पर लगे फास्टैग से खरीद सकेंगे पेट्रोल डीजल, पार्किंग का भी नहीं करना होगा भुगतान। सरकार ने वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर दी है। अब पार्किंग पेट्रोल या डीजल खरीदने के लिए आपको कैश, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं निकालना पड़ेगा, बल्कि आपकी गाड़ी पर लगा फास्टैग ही यह काम करेगा। सरकार की कोशिश है कि वन नेशन वन फास्टैग योजना के तहत फास्टैग का इस्तेमाल देश की सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर किया जा सकेगा।